नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल फिलहाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई एसीएफ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो जितने भी हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको उम्मीद है कि कट ऑफ शायद इस बार क्लियर हो जाए, उनसे हम यही कहेंगे कि समय बिल्कुल भी ना गंवाएं और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और उसके बाद मेंस के एग्जाम की डेट आएगी तो समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, और अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। तैयारी में एफिशिएंसी आए इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेंस के सिलेबस को जान लें, एग्ज़ाम के पैटर्न को जान लें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ी स्पेसिफिक तैयारी मांगता है। मेंस में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं आपको, और जो कि ज़्यादातर साइंस या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। तो आइए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं इसके मेंस के सिलेबस को। जैसा कि लोक सेवा आयोग ने मेंस के सिलेबस के बारे में बताया है, इसमें कुल 5 पेपर होंगे और इसके साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा जो 75 मार्क्स का होगा। पहला हिंदी का पेपर जो कि कंपलसरी होगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास। दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा, ये भी कंपलसरी रहेगा, 100 नंबर का होगा और 3 घंटे इसमें भी आपके पास रहेंगे। और एक पेपर जनरल नॉलेज का रहेगा, 100 नंबर का, इसमें भी आपके पास 3 घंटे रहेंगे। पहले ऑप्शनल की बात की जाए तो यहाँ पर 200 नंबर का पेपर हो जाता है और समय वही 3 घंटे ही रहेंगे, और ऑप्शनल जो सेकंड रहेगा उसमें भी 200 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा। इंटरव्यू इस लिहाज से थोड़े कम मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का। तो तैयारी की बात जैसे हम आपसे कह रहे थे कि अभी से लग जाइए, जुट जाइए। देखिए, इंटरव्यू में अगर आप ये मान के चलें कि एवरेज मार्किंग भी अगर आपकी होती है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें भी ऑप्शनल के पेपर 200 और 200 400 नंबर के, क्योंकि आप बाकी जो पेपर हैं 100 नंबर के, 3 पेपर देखिए, वो तीनों पेपर मिला करके 300 नंबर के हैं, और ये अगर आप ऑप्शनल पर अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते हैं तो 400 नंबर आपको सिर्फ ऑप्शनल में मौका मिल रहा है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। बात करें हिंदी के पेपर की, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं क्या आएंगी इनमें। अपठित गद्यांश रहेगा इसमें, यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा हिंदी में। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कार्यालय पत्रों के प्रारूप रहेंगे, बहुत सारी किताबों में ये आपको मिल जाएगा। शब्द रचना रहेगी, शब्द विवेक रहेगा, वाक्य रचना रहेगी, भाषा का मानकीकरण, लोकोक्ति और मुहावरे रहेंगे, निबंध लेखन रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी अपठित गद्यांश है, पत्रों के प्रारूप हैं, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, जैसे वाक्य रचना हो गया और निबंध लेखन, यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये वो पोर्शन है। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि हिंदी में आपको मिनिमम 35% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ करके जाते हैं तो 35% मार्क्स तो ज़रूर ही आ जाएंगे, लेकिन बात यह है कि आपको मैक्सिमम हर पेपर में स्कोर करना है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। फिर बात की जाए इंग्लिश के पेपर की, तो कुछ ब्रॉड टॉपिक दिए गए हैं, इनमें 600 वर्ड का ऐसे आपको लिखना होगा, 15 मार्क्स होंगे। तो देखिए, जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है उस हिसाब से आपके लिए तैयार करना आसान हो जाएगा। दिए गए किसी भी एक विषय पर जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप पहले से ऐसे के कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जो आप कुछ बातें तो हर ऐसे में सामान्य तौर पर आती ही हैं, बस आप अपने फेवरेट टॉपिक्स को डिसाइड कर लीजिए और उनसे रिलेटेड कोट्स या फैक्ट्स या रीसेंट जो इश्यूज रहे हैं उनको नोट करके अपने पास रख लीजिए। कुछ कंक्लूजन्स भी डिराइव कर लीजिए, इससे आपके लिए देखिएगा ऐसे में बहुत आसानी हो जाएगी, चाहे वो हिंदी के पेपर में हो या फिर इंग्लिश के पेपर में हो। फिर यहाँ पर भी फिर आपके लिए 5 मार्क्स का प्रेसिस राइटिंग आएगा, 8 मार्क्स का लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग के ब्रॉडर टॉपिक्स दे दिए गए हैं, आप इनमें से सभी के फॉर्मेट को समझ लीजिएगा। देखिए, विषय कोई भी दिया जा सकता है एग्जाम में, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। वोकैबुलरी, एंटोसाइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर थोड़ा लक का भी खेल होता है। आप कितनी भी तैयारी करके जाएं, हो सकता है शब्द ही कहीं और से आ जाएं, लेकिन एक तरीका ये है कि सबसे ज़्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट 200-250 वर्ड का कलेक्शन आप कर लीजिए, जो अक्सर विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी इसी तरीके से किया जा सकता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर की बात आती है, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, फिर समरी राइटिंग, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप सबसे ज़्यादा जीएस और
अपने ऑप्शनल पर फोकस करिए, इनको थोड़ा थोड़ा समय आप देते रहिए इंग्लिश और हिंदी को, क्योंकि आप हर पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें और इंटरव्यू के समय आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। फिर तीसरा पेपर जो जनरल नॉलेज का है, इसमें 3 घंटे का समय रहेगा, 100 नंबर का पेपर है, 10 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का हो और इसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिया गया है, लगभग वो सभी टॉपिक रहेंगे जो कि किसी भी सामान्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा प्रीलिम्स में पूछा गया है वही टॉपिक आपको यहाँ भी तैयार करना होगा। और मैथ्स की तैयारी आपने वहाँ भी की थी, यहाँ पर भी 100 नंबर में ही मैथ्स और रीजनिंग के सवाल भी रहेंगे। फिर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको कोई भी 2 ऑप्शनल लेना है। अब तक सभी लोगों ने, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, उन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया होगा कि उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लेना है। जिन्होंने नहीं डिसाइड किया है उनके लिए स्लाइड पर दिए गए सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। पैटर्न की बात करें तो ऑप्शनल के पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और हर पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन करने जरूरी हैं। अगर तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीलिम्स से थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करें और आप सोच रहे हो कि जीएस के पोर्शन में किस हिसाब से, क्योंकि सब कुछ पढ़ना है और ऑप्शनल भी तैयार करना है, तो देखिए ऐसी उम्मीद की जा सकती है, इस बात की 100% गारंटी तो नहीं है। जीएस के पेपर पे भी आयोग का फोकस साइंस पर, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि जॉब भी आपसे यही डिमांड करती है, जैसा कि आपने प्रीलिम्स में देखा ही है। और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर UK ACF मेंस 2019।